उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमरास, गालिब की सहेली, डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आदाब। हम आज आपको किस्सा सुना रहे हैं एक बहुत ही मीठी भाषा उर्दू की कहानी। उर्दू कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? 1195 के आसपास पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा कर मुस्लिम शासन का नींव रखी हिंदुस्तान में। 1526 तक जो मुस्लिम शासक थे उनको सुल्तान कहा जाता था। उसके बाद 1526 से 1857 तक मुगल सताए, इनकी छावनियां बन गई। इनकी छावनी में जो सैनिक रहते थे वो खड़ी बोली जो कि प्रचलित थी उसके साथ कुछ अरबी और फारसी शब्द को यूज करके जो भाषा बोलते थे उस भाषा का नाम था उर्दू ए मोहल्ला। धीरे 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 बोलते बोलते 1824 में मसहफी ने उसका नाम उर्दू रख दिया। जब शाहजहां दिल्ली आया तो उसे भी उर्दू अच्छी लगी और उसने उर्दू को बहुत प्रमोट किया। आखिरी बादशाह बहादुरशाह जफर, उसे उर्दू का बहुत शौक था। उर्दू शायरों को उसने बहुत प्रशय दी, बड़े बड़े शायर गालिब ज़ौक जैसे उसके दरबार में रहते थे। उर्दू भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है और सीधे हाथ से उल्टे हाथ तक। लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि ये मुसलमानों की भाषा है, ऐसा नहीं है। पुराने पंजाब, कश्मीर, यूपी में हिंदू भी उतनी ही उर्दू पढ़ते थे जितने मुस्लिम पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। हमारे बाप दादा को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, उर्दू पढ़ते थे। पाकिस्तान ने इसे अपना नेशनल लैंग्वेज बना के उर्दू को एक ऊंचा स्थान दिया। उससे लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि पाकिस्तान की उर्दू जो है ये मुसलमानों की भाषा है। नॉर्थ से उर्दू चली दक्षिण की ओर, वली दखनी इसको ले गए और हैदराबाद में इसका नाम दखनी रखा गया। इसमें बड़े बड़े शायर हुए और उसके अलावा उर्दू को सबसे ज्यादा प्रमोट किया अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो इसके आदि कवि थे। उर्दू का कमाल ये है कि आपको लगता ही नहीं है कि उर्दू बोलने वाला आपसे झगड़ा कर रहा है कि प्यार कर रहा है। खास करके लखनऊ की उर्दू, जहां आप जाएंगे तो उनके मुंह से फूल बरस रहे होते हैं अगर वो आपसे नाराज हो तो भी। दिल्ली की उर्दू अलग है, हैदराबाद की उर्दू अलग है, भोपाल की अलग है, हमारे जावरी की अलग है। तो ये है उर्दू की कहानी। और उर्दू ने दिल पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं साउथ एशिया का जीत लिया है। और उर्दू के शायर, उर्दू के गजल गायक और उर्दू के कव्वाल दुनिया में मशहूर।